तो लो जी, वेलकम टू इंडिया, भारत में आपका स्वागत है। हाँ जो कवित मेरी हाँ से, जिसकी मैं बात कोई टाल को नहीं सकता वा। और भाई आने लग रहे भाई, और वो सरप्राइज गिफ्ट है कि अगर को नहीं पता भाई, मम्मी और डैडी को नहीं पता, उनको पता है कि मैं आ रहा हूँ, बट उनको यह कि मैं नेक्स्ट वीक आ। मेरी माँ मेरा रब, मेरी माँ मेरा राम, मेरी माँ मेरा शहर, मेरी माँ मेरा गाँव। खास बात रहेगी भाई कि घर वालों के एक्सप्रेशन, इमोशनल जो पल होगा ना भाई। जाने से पहले इस ठेके के अंदर जरूर बढ़ना पड़ता है, कुछ ले लेते हैं भाई यहाँ से, क्योंकि पूछ देने कई की साडे ली ले। बेटा भाई का, भाई को दो, भाई को। पर अम्मी पूछ कर कदूंगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू अनदर व्लॉग। तो सीन कुछ आज कैसा है कि भाई आज जो वीडियो है ना वो सीधी कार से स्टार्ट होने लग रही, तो मैं अथर्व की मम्मा और अथर्व भाई जाने लग रहे भाई मार्केट में, और वीडियो घर पे क्यों नहीं शूट करी तो वो बता दो भाई, क्योंकि कल भाई आने लग रहे भाई, और वो सरप्राइज गिफ्ट है कि घर को नहीं पता भाई, मम्मी पापा डैडी को नहीं पता इस बारे में। जो मैं घर पे वीडियो बनाता या बोलता तो भाई पता लग जाता, तो कार में ही ये करने लग रहे। और बहुत सारे काम है भाई मार्केट में जो करके आने हैं, और भाई के लिए भी कुछ गिफ्ट हो गया उनका, अथर्व का भाई, भाई तो उसके लिए भी गिफ्ट लेकर आना। बहुत एक्साइटेड हूँ, फाइनली जा रहे हैं भाई इंडिया, जो लास्ट टाइम आपको बोला था ट्रिप के बारे में, और अभी सुबह के 5:15 बजे। बहुत ही खतरनाक खड्डा भाई इसने करदा क्रॉस, आए हाय हाय जुटे। अभी जो है भाई सबसे पहले जाने लग रहे हैं थारो को, उसकी आईज भाई रेड हो रखी, तो वो दिखा के लेकर आनी है डॉक्टर पास। उसके बाद भाई मार्केट में जाएंगे, वहां से सामान परचेज करेंगे, तो भाई जल्दी से चले और मिलते हैं सीधा आपको थारो के डॉक्टर पास, जहाँ पर इसका सुई लगेगी आज। नए कपड़े पर आ गई भाई, इसको सला दिया था ताकि ना ज़्यादा टाइम ना लगे जब हम पैकिंग वगैरह कर लें, तो नियरली एवरीथिंग इज डन, पैकिंग हो गई है भाई अपनी। भाई मारी मन कर की सड़क पूरा मका नींद नहीं आने दी, आए हाय रे तो क्या टाइम है, ये 6 बजे भाई, देखेंगे जाएगा वहां पर भी अपना 5:30 हुए भी हल तो देखेंगे भाई अपना डॉक्टर की पर्ची कट जाएगी या नहीं। देखे रायन रेडी है बैग उठाने के लिए, और अपने सारे बैग रेडी है, तो भावना एक्साइटेड हो तो भाई चलो उधर से, उधर बेटा उधर से धक धक क्या हुई है, टिक्का लगेगा अब जी, तो गंदे काम करा दो। चलो भाई वो रहा था रुका डॉक्टर, तो सबसे पहले भाई जाकर पर्ची कटवावा और देखा भाई नंबर पड़ेगा ना पड़ेगा। आ जाओ बेटा धक धक हंस रहा तो झूठ बोल रहा। चलो भैया अब भी है ये अपना डिपार्चर, और डिपार्चर पे यहाँ पे अपना है 6 नंबर, वो सामने लग रहा है, तो इतना रश नहीं है। एनीवे हम आ गए 3 घंटे पहले, अब कुछ हो गया एनीवे, राय ने पुश भी कर देना, अब मार बेटा दोबारा से करो। डिजिटल टाइम में भी पेटीएम एक्सेप्ट नहीं आना, फोन पे चल रहा है, तो कैश लेकर आना पड़ेगा, वो रखा भाई गड्डी में ही। टेम्पो वाला भी पहली रुक का खड़े हो जा कि बंदा है क्या, सवारी है यार, या बैठ कर जाओगी, जानता नहीं भाई जानता नहीं। जाने से पहले इस ठेके के अंदर जरूर बढ़ना पड़ता है, कुछ ले लेते हैं भाई यहाँ से, क्योंकि जा रहे हो भाई इंटरनेशनल, तो यहाँ से थोड़ा सा आपको सस्ती दारू मिल जाती है जो कि ड्यूटी फ्री है। रैन कौन सी लेनी बेटा, भाई इसको भी पता है भी उंगली कर रहा है बेटा कौन है ये, पापा का कू है। और भाई जो नंबर है ना डॉक्टर पे उसमें लग जाएगा 1/2 घंटा। तो आपको एक छोटी सी चीज बता दूं भाई कि जो आज की वीडियो है ना इसकी खास बात रहेगी भाई कि घर वालों के एक्सप्रेशन, इमोशनल जो पल होगा ना भाई, वो चीज की भाई जो आ रहा है भाई वो बिना बताया आ रहा, तो वो चीज इस वीडियो में खास रहने वाली है भाई। और आपको बता दूं भाई कि 6 महीने पहले आया था वैसे तो भाई, तो 6 महीने के बाद दोबारा से आना हुआ, तो वीडियो में बने रहना भाई, इंटरेस्टिंग होगी और जबरदस्त होगी। तो सबसे पहले तो भाई थारो ने ठीक से ट्रीटमेंट करवा लूं, भाई प्लेन दिखाते हैं आज ना, प्लेन देखेगा बेटा ना, भाई हमारे देश के जुगाड़ बाइक पर ही इतना बहुत जट होगा जा रहा भाई, बैठ जा थारो, अब देखिए बट इंजेक्शन लगेगा। उधर लाइन में चलना है जाके ना सीधा, तो भाई बोर्डिंग हो गया शुरू, और अपना वो प्लेन सामने खड़ा हुआ है, एहतियात। ये भी करेगा गंदे काम, आंखों में एलर्जी, गंदे हाथ लगाएगा ना आंखों में भाई, इसने कर ली खारिश एलर्जी। गंदे हाथ नहीं लगाते अंकों में कभी भी, आईज में, और दो भी लेकर अंके दो का भी रखनी चाहिए, साफ करके रखनी चाहिए, और मोबाइल भी भाई कम देखना चाहिए, मेरा मेरा व्लॉग देखकर ना बस बंद कर दो एकदम मोबाइल ना, हंसरी बैठी भाई अपना प्लेन। एनीवे रायन भाई अब तक ना हेल्प कर रहा है बिल्कुल, एनीवे हमने अपनी 45 सी एनीवे विंडो सीट अपनी वहीं पे जाके बैठना है,
चलो बेटा चलो 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 चलो, वेरी गुड। चलो बस बेटा आ गया, 45 आ गया, वो आ गया सामने। तो बेटा रहा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा प्लेन का? वाओ का भाई, अच्छा है। नहीं ना, ये रही अपनी फ्लाइट। 10 दिन के बाद आना है भाई डॉक्टर के पास दोबारा से, और फिर आई साइट भी चेक होगी कि कितना मोबाइल देख रहे कैसे ना, उसी के हिसाब से भाई आगे मेडिसिन देंगे डॉक्टर या ना देंगे भाई, तो वो होगा 10 दिन के बाद। उन्होंने रायन के लिए दे दिया भाई ये किट, होपफुली इसे खेलता रहेगा। और साथ में भाई उन्होंने मास्क वगैरह दे दिया है जैसे ना, तो एक छोटी सी किट दी है जिसके अंदर भाई अपना फेस मास्क वगैरह और हाथ हूथ साफ करने के लिए है। तो भाई ये लग गया अपना कार्रवाई पे जगाधरी में के, और वो रखे भाई को देने के लिए गिफ्ट जो भाई को देने हैं कल भाई, और अथरव लेने लग रहे अब ट्वाइस जो ये देगा भाई रायन को है। हेलो भाई, यानी दुबई आ गए हैं और यहाँ से अबू धाबी से हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट, और रायन फिर से भाई अपनी पूरी हेल्प कर रहा है। भाई सब्जी प्याज और परांठा तो सही है, ये पिज्जा कहाँ? पिज्जा मैस्टर पिज्जा। बस उन की तरफ तो देखो नहीं, देखने लगे ने तो भरी जंदे बस ना टिक्कियो ना सीधे चलो सीधे, ना 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 ये चीजें नहीं मिलती कुछ भी। हाँ गुड बॉय, कुछ नहीं खानी चाहिए था ना। चलो लो भाई दिखाओ ट्वाइस। चलो जी अपना फूड हो गया, करी वगैरह ब्रेड वगैरह, और साथ में सैलेड है, और साथ में भाई कपिल शर्मा का शो लग रहा है। लो जी लो बेटा। तो भाई यानी मैं पता नहीं कैसे बीच में से बच बच के आ रहा है बंदा ना, और जहां से भाई प्लेन लैंड हुआ था ना वहीं से लेके सामने भाई डिपार्चर गेट आ गया अपना वहीं तक, ये बंदा ही हेल्प कर रहा है अपनी। ओ बेटा वापस थोड़ा ना जाना, अब डबलिन दिल्ली जाना, उधर है दिल्ली। हाँ इधर तो डबलिन है बेटा, पीछे दिल्ली उधर है बेटा। चलो आ जाओ। एक तो भाई जहाँ भी बाजे की आवाज दिख जाना मार तो दिमाग खराब हो जा, और यहाँ पर भी बाजा है क्या भाई? तो ये जो बाजा है भाई रामलीला ट्रस्ट का है, रामलीला स्टार्ट होगी और यहीं पर ही पास में रामलीला होगी भाई। भाई लास्ट वाला बैग भी अपना आ गया। हाँ ये अपने ही है वो, आज हुआ। थैंक यू भैया, किसी और का तो नहीं उठा लिया? नहीं अपनी है अभी तो। हाँ अपनी यार, इन्हें पहचान। इस टाइम हो रही है भाई की वेट वो अभी लेने के लिए आने वाला है। एनीवे दोस्त आ रहा है गांव से, क्योंकि फैमिली को पता नहीं है, भाई को पता है सिर्फ। तो भाई रात के बज गए 8, और सारा सामान जो भी खचड़ बचड़ था भाई सारा कुछ खरीद लिया और पैक करवा के अब जाने लग रहे घर पे। तो उतरो बेटा, खोल लो जल्दी, खोल दो करो गेट, इतना टाइम नहीं लगाया करो। तो ये पिक बनवा के लेके आए भाई, जो भाई को गिफ्ट करना और उसके रूम में लगा देंगे भाई। भाई बैठ गया अपना गाड़ी में और ऑन द वे टू हाउस। तो भाई अपना कैसी रही जर्नी रायन के साथ? भाई बच्चा बड़ा तंग करता है। नहीं प्रियल तू नहीं जाती स्कूल में, छुट्टी है भाई? आप तो है कि जिम करके भाई भी लगभग पानीपत तक पहुंच गए भाई, तो उनकी वेट हो रही, बारिश बारिश का मौसम हो रहा भाई। क्या करें मम्मी? अच्छा है कटने की जीरी भाई, ट्रैक्टर भी गाड़ो खड़ा था, कंपैन आनी थी आज, और जीरी निकलनी थी। तो घर पापा ही मम्मी डैडी ना नहीं पता कौन है रहा कौन नहीं, तो एक सरप्राइज गिफ्ट रहा भाई। ओ भाई बादल चढ़ा खड़ा पूरा और बारिश भी आने लगी। ओ लो भाई देख कितनी बारिश स्टार्ट होगी, और सारे चमसे मनी बारिश हो गई। इब देख लो भाई क्या हाल हो रहा जीरी कटने का टाइम पर। रिवर्स और काफी टाइम लगा दिया। एनीवे बकरी भी परेशान हो गई है बैठे बैठे ना टेम्पो में। फिर आ गया भाई 10 मिनट पहुंचते हैं घर पे। चलो भाई ये आ गया अपना घर। ना पिंड दिल चो निकलदा पावे पिंड चो निकलिया मैं छड यार प्यारे आलू ना भाई राय नहीं आ रहा, राय ने अभी उल्टी करी गाड़ी में ना, पानी पी रहा था इसने। ये तो ऊपर कर रहा है, 6-7 महीने बाद आया ना।
नींद नहीं पूरी हुई भाई। चलो बेटा सो जाओ। हाँ इनका उल्टी होगी भाई। बेटे रायन क्या देख रहा है? पंखा देख रहा भाई, है ना? ऊपर होगी लाइट देख रहा और पंखा, क्योंकि वहां देखने को नहीं मिलता। रायन बड़े हो गए मम्मी, लास्ट टाइम आया था 6 महीने बाद। नहीं बड़ो गया भाई रायन ना, लेकिन ना थोड़ा उदास सा लग रहा है। बाल बड़े हो गए। इसमें सारे गिफ्ट रखे हुए, यही बैग निकल रहा है। अच्छा ही लगता है यार, घर पे आके मम्मी डैडी से मिलके, भाई भाभी से मिलके। और रायन का रिएक्शन भाई यही है कि यहाँ पे आके उसको तो पता लग रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं। तो भाई ये थी आज की एक छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आपने वीडियो भाई अच्छी लगी होगी। जो अच्छी लगा ना भाई तो लाइक भी कर दो करो, और चैनल ना सब्सक्राइब कर दिया, और वीडियो ना शेयर भी कर दो करो भाई, जो भी आपके ग्रुप होता है, कि आपके भाई ने मोटिवेशन मिला और इस तरह की और ज़्यादा वीडियो भी आपको दिन दर हुआ भाई। तो भाई मैं भी वेट कर रहा कि भाई कब वो अनबॉक्सिंग करा जो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आया है। वैसे तो मैं अंदर नहीं जाकर, अंदर भाई बैठा था, अंदर नहीं बना सकूँ, पर उसे ना पता लग जाए भाई, वीडियो में देख लेगा, कोई बात नहीं देख लेगा। तो अपने गिफ्ट की भाई मैं वेट कर रहा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लोग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ये बॉक्स अनबॉक्सिंग हुई है भाई भाभी जी के लिए, गिफ्ट भावना लेके आई है, और रायन के लिए भाई गिफ्ट दिया है अथर्व ने, रायन के भाई ने। देख बेटे मम्मा, वाओ पापा देख कितना सोना लग रहा है। भाई भी पूरा वेट कर रहा है, स्टैमिना भी भाई, इसका गिफ्ट कितना मिलेगा। बस चला जा फिर।